find locus of foot of perpendicular drawn from focus on any tangent for ellipse. ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग है एंड ये मेरे पास इलिप्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि इलिप्स में लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट क्या आता है ऑक्सिलरी सर्किल आता है. लेकिन ये प्रॉब्लम भी है और सॉल्विंग टेक्निक भी है और मुझे लगता है कि अच्छे से हमें ये प्रॉपर्टी तो याद ही होनी चाहिए, साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रूफ भी हमें मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो लेट मेरे पास अब मैंने इलिप्स कंसीडर किया, स्टैंडर्ड इलिप्स ए ग्रेटर देन बी है और मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये इलिप्स है. ओके, तो नाउ फोकस करना कैसे मैं इसे प्रूव कर रहा हूं. मैंने कह दिया अगर ये है तो ये जो लोकस है ये मेरे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल जो ऑक्सिलरी सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आता है. ओके, नाउ फोकस करिए कैसे किया जाए. तो मैंने क्या किया, ये एलिप्स बनाया और एलिप्स में कोई टेंशन है नहीं, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं ये मैंने एलिप्स बना लिया है, ये मेरे पास बहुत अच्छा नहीं बना है एंड ये लेट कोई टेंजेंट है एंड ये फोकाई है, वन ऑफ द फोकाई हम कोई भी ले सकते हैं, ये एस वन ये एस टू एंड इसके फोटो परपेंडिकुलर का लोकस मुझे रिक्वायर्ड है. Locus of photo perpendicular drawn from focus on any tangent. Like ये मेरे पास इसका locus required है, ये tangent है. Okay. In fact हो क्या रहा है, एक line है जो कि tangent है, सही है and foci है मेरे पास, one of the focus है, let S1 ले लिया A E comma 0 एंड यहां से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इसका मुझे लोकस चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए, लेट ये मैंने पी एच कॉमा के मान लिया. जो स्टैंडर्ड तरीका होता है लोकस निकालने का वो मैंने यहाँ पर फॉलो कर रहा हूं कि मैंने क्या किया कि जो पॉइंट है मेरे पास उसको मैंने पी एच कॉमा के मान लिया. ओके, तो कैसे किया जाए इसे, कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस रिजल्ट को ला सकते हैं. पहली बात, पहली और सबसे काम की बात, ये टेंजेंट मेरे पास क्या होता है, इसमें बी स्क्वायर का रिलेशन होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी ए और बी में ये रिलेशन होगा, ए अगर ग्रेटर देन बी है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, अब टेंजेंट की इक्वेशन में मालूम है कि अगर मैं काफी तरीके हो सकते हैं स्लोप के टर्म्स में one of the tangent consider किया सकती है, y equals to mx plus क्या रहता है under root a square m square plus b square, a square m square plus b square, ये मैंने slope के terms में tangent consider कर ली, plus minus होता है c square equals to a square m square plus b square होगा, होगा तो y equals to mx plus c, इसके लिए मेरे पास क्या बन जाएगी, tangent बन जाएगी. नहीं आया अगर मेरे पास x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 के लिए कोई अगर मैं ऐसी लाइन कंसीडर करता हूं तो ये नेसेसरीली क्या होगी, टेंजेंट होगी. ओके, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, मुझे क्या चाहिए कि इस पॉइंट का मुझे लोकस रिक्वायर्ड है. तो पहली बात कि ये पॉइंट टेंजेंट पर लाई कर रहा है, भाई करंट आ रहा है जा रहा है मुझे लगता है, एक बार ट्राई करते हैं शायद आ जाएगा. ध्यान से समझना, इस पॉइंट का लोकस मुझे चाहिए तो पहली बात यह है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो के इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, एम एच प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. ओके, या पहला रिलेशन और दूसरी बात यह है कि इस लाइन का स्लोप अगर m है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा माइनस वन बाई एम होगा, मींस k माइनस जीरो अपॉन एच माइनस ए जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, ये दैट्स वाई ये कितना आएगा, माइनस वन बाई एम आएगा, माइनस वन बाई एम आएगा. ओके,
अब मैंने क्या किया, मैंने यार इन दोनों की हेल्प से यहां से एम निकाल के यहां पर रख दें, यह ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि कैसे एम को एलिमिनेट करें। तो एक तरीका मुझे स्ट्राइक कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूं, अच्छे से देखना। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से के माइनस एम एच का होल स्क्वायर, के माइनस एम एच का होल स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से देखना, के एम प्लस एच इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने से देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं और मुझे लगता है समझ में आ जाएगा इन दोनों को। ये फर्स्ट की हेल्प से आया है एंड ये मेरे पास सेकंड की हेल्प से आया है। एंड मैंने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड को, एंड यहां से मेरे को इन दोनों को ऐड करूंगा तो के स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। ओके, के स्क्वायर, एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। ओके ओके, यहां कितना आएगा, यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया, बी स्क्वायर को लिख देते हैं, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये मेरे पास आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर को लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को लिखा है मैंने, एंड ये मेरे पास आया प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये गायब हो गया एंड 1 प्लस एम स्क्वायर जो कि नॉन जीरो है, तो मेरे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मुझे लगता है ये एक प्रॉपर्टी है और आपको ये अच्छे से याद भी करना है। लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट फॉर द एलिप्स इज ऑक्सिलरी सर्किल या और प्राइमरी ऑक्सिलरी सर्किल। इफ यू आर कंसिडरिंग ए ग्रेटर देन बी, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के लिए लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आएगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैं इसे स्टार मार्क भी करूंगा। बात समझ आ गई, ये आपको प्रॉपर्टी की तरह भी ध्यान होना चाहिए। और जो तरीका है, हाउ, कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ इसे, वो भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके?